नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूँ रोहित प्रियदर्शन और इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहाँ पे ईवी एक्सपो का आयोजन किया गया जा रहा है। लगभग 150 कंपनियाँ हैं जो अपने उत्पादों के साथ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके साथ यहाँ शोकेस कर रही हैं। टाटा मोटर्स के हम स्टॉल्स में हैं और खास करके एक खास मुझे स्लोगन यहाँ दिख रहा है, गो इलेक्ट्रिक विद सागर मोटर्स। और यहाँ पे नेक्सॉन ईवी का जो ये मॉडल है इसको भी शोकेस किया गया है। तो इसमें इस बार कुछ बताया जा रहा है कि कुछ इसमें और अपडेटेड है, जिसके बारे में हम जानेंगे पंकज जी से। और पंकज जी, सबसे पहले तो बधाई, आपका बड़ा अच्छा स्लोगन है, गो इलेक्ट्रिक विद सागर मोटर्स। तो एक बार पहले अपील हमारे व्यूअर्स से कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाना क्यों जरूरी है। सर, व्हीकल इसलिए जरूरी है कि सब में रनिंग कॉस्ट आती है, 80 पैसा पर किलोमीटर आती है। सर, सब बड़ी चीज, हम नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। जैसे नेक्सॉन है हमारी, पहले 40 किलोवाट की थी, उसको बंद करके 45 किलोवाट की कर दिया। इसकी रेटिंग अब 350 चलेगी। इसके अंदर एक जो नया चेंज हुआ है, पैरानिक संरूप कर दी है, संरूप हो जाते हैं, मतलब ये सब चीज़ नया हुआ है इसमें अंदर। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है, 45 किलोमीटर बड़ी रेंज हो गई है। इसकी बड़ी भी काफ़ी मजबूत सी दिख रही है। सर, ये जो होती है 5-स्टार रेटिंग होती है, 6 एयरबैग होते हैं, 12.3 LED सिस्टम होता है, और वेंटिलेटर सीट है, लेदर वाइज सीट है, पुश बटन स्टार्ट है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो बंदे को चाहिए है। बहुत इस पर 350 का है, मतलब अलाई व्हील देख लो, 18 इंच के इसके अंदर सारे अच्छी, मतलब सारी फैसिलिटी आपको मोस्टली मिलती है इसके अंदर। और बात की जाए अंदर की, तो अंदर ये कितना स्पेसियस है और इसके सीट्स कैसे हैं? सर, लेदर वाइज सीट्स होते हैं, वेंटिलेटर सीट्स होते, आप देख सकते हैं, क्रूज कंट्रोल, टाटा का लोगो आता है आपके स्टीयरिंग पे, हर तरह की फैसिलिटी होती है इस गाड़ी में। सबसे बड़ी चीज़ है मजबूती, आप देखो बॉडी कितनी मजबूत है इसकी, बहुत अच्छी गाड़ी है ये। क्या इसका चार्जिंग टाइम क्या है और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर सकती है? वन चार्ज में 350 के आसपास चलेगी। आप 7.2 फास्ट चार्जर लगाते हैं मोस्टली कि ये चलेगी आपके, मतलब चार्ज होएगी आपकी ये 5 से 6 घंटे के अंदर। जो नॉर्मल 3.3 चार्ज लगाते हैं, मान के चलिए 15 के घंटे के आसपास। और जो पेट्रोल पंप पे लगे हुए थे चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, वो 0 से 80% के लिए 56 मिनट में चार्ज कर देते हैं जी। निश्चित रूप से एक बगल में भी मॉडल मुझे दिख रहा है, कर्वी भी है ये, आपका कर्वी भी टॉप मॉडल है, तो 23.5 लाख के आसपास होता है। इसके अंदर भी सेम वही है, वेंटिलेटर सीट है, लेदर वाइज सीट है, 8.5 एमरजेंसी है। इसका जो बूथ स्पेस है वो आपका 550 का है। और इसके अंदर भी देखो पैरानिक सनरूफ वगैरह सारी चीज़ें, बूथ स्पेस देखो, ये भी यहाँ पे अलाई व्हील, इसका देखो कटिंग भी नहीं है ये, इसके अलाई व्हील की सब चीज़ अलग अलग है। देखो बूथ स्पेस की बात कर रहा था मैं आपको, देखो 500 लीटर का है, देखो ये ऑटोमेटिक होती है। हाँ, ये कुछ बताइए इसके बारे में। देखो सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ऊपर खुलेगी, देखो ये बूथ स्पेस देखो 500 लीटर का। इसके नीचे आपके ये सारी स्टप नीचे वगैरह सारी चीज़ होती काफ़ी, मतलब स्पेसियस बहुत ज़्यादा है ये। और इसके सीटी की बात कर ले तो सीट इसके फोल्ड हो जाते हैं, जैसा बेल्ट टाइप बन जाता है ऐसा बन जाता है सर। और देखो यहाँ पे ये बटन दिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जी, निश्चित रूप से। और इसका पीछे का लुक कुछ डिफरेंट कूपे टाइप हो जाता है सर ये। और इसका ये जो एंगल है, पियानो जो पियानो वगैरह बोलते थे वो होता है जी। निश्चित रूप से अगर आप आएँ तो टाटा का ये स्टॉल है, ये स्टॉल नंबर क्या है, हॉल नंबर 3 है मेरे ख्याल से, हॉल नंबर 3 में है सर ये। हाँ, तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे पंकज जी से मुलाकात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, और जो सागर मोटर्स है उनका भी डिटेल्स मिल जाएगा, इनका कहाँ कहाँ ये शोरूम है इसके बारे में सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अपने साथी सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।